काम तो क्या कंप्लीट? काम अब कंप्लीट हो गया, अब आप लोग को हम बेगूसराय का दर्शन कराएंगे। क्या चीज? टीका धो लेते। टीका क्यों धोएगा, ठीक तो है। अच्छा अच्छा तो लग रहा है यार, सही तो बोल रहे हैं। हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिन के बाद आप सभी के बीच फिर से हाजिर हो चुका हूं। एंड मैं आज मैं बता दूं दोस्तों आप सभी को कि इतना दिन से मैं क्यों गायब था। तो मेरे को कुछ अर्जेंटली काम था। एंड आप सभी ने कुछ वीडियो देखा होगा कि मैं कुछ ट्रेनिंग के लिए जाता हूं कहीं पे, बट उसी के लिए मैं वीडियो नहीं ले पा रहा था। लेकिन 1 सितंबर है आज, और मैं आज से मैं डेली ब्लॉग आप सभी के पास देने का कोशिश करूँगा, चाहे जो भी हो। एंड नया नया जगह घुमाने का भी कोशिश करूँगा। और गाइज़, एक बात और आप सभी को बता दूं कि मेरा अनुपस्थिति में, मतलब मैं चैनल पर वीडियो डाल भी नहीं रहा था, लेकिन मेरा चैनल पर आप सभी के प्यार सपोर्ट के वजह से मेरे चैनल पर 2K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गया, बट विदाउट वीडियो, मतलब वीडियो नहीं डाल रहा था। फिर भी आप सभी ने मेरे और सभी वीडियो को प्यार देते हुए मेरा चैनल पर 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट भी कर दिया। तो बस अब मेरी बारी, एंड आप सभी को नया नया जगह घुमाऊंगा एंड दिखाऊंगा। जो भी होगा मेरे साथ सारा चीज़ आप सभी को भी शेयर करने का कोशिश करूंगा। मैं यहां से अभी निकलूंगा और मैं डायरेक्ट ही ट्रेन पकड़ के, या नाव से तो अभी नहीं जा सकता हूं क्योंकि अभी बाढ़ का संभावना ज़्यादा है। एंड बाढ़ भी आया था, एंड पिछला ब्लॉग में आप सभी को दिखाया भी था। एंड मैं एक्साइटेड हूँ, अभी बहुत दिन के बाद एक तरह से मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, जो कि आप सभी को शूट करके दिखाऊँगा। तो ब्लॉग में बने रहना एंड तक। और मेरे साथ आज आने वाला है कन्हैया, और मैं अभी जाऊंगा बेगूसराय। तो चलो पहले चलते, देखते हैं जर्नी कैसा होता है, वो सारा चीज़ आपको आज का ये ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलो चलते हैं। पहले मौसम भी देख सकते हो गाइस, बहुत ही ऑसम है। तो बादल भी आकाश में है कुछ कुछ, एंड नीला भी यहाँ पे, और इधर देख सकते हो सूरज भी नहीं निकला हुआ है अभी तक। तो अभी 8:15 हो चुका है। कन्हैया तो गाइज स्टेशन में आ चुका है फिलहाल, तो मेरे को कॉल किया, तो अभी मेरे को जाना पड़ेगा इस तरफ से क्योंकि आगे में लगा हुआ है डब्बा, और यहाँ पे ट्रेन का तेल जो रहता है वही रखा हुआ है। देख सकते हो कितना बड़ा ड्राम है, यहाँ से पूरा ऐसे करके यहाँ से पूरा वहाँ तक तेल ही तेल है। बट अभी कन्हैया को कॉल करते हैं। बाद में गाइज अभी जब कन्हैया को कॉल किया तो बोला कि आ गए हैं स्टेशन, बट वहीं पर आ तुम, हम वहीं बैठे हुए हैं। तो बस चलते हैं पहले। और गाइज धूप ज़्यादा ही निकल चुका है, और पीछे से गाइज गाड़ी भी आ रही, देख सकते हो कितना तेज़ी से। ये भी माल डब्बा ही है लगता है, बाय द वे आप देख लो। बैग नहीं लिया? हाँ बैग क्या करेंगे। गाड़ी भी आ गई हम लोग का, देखो देखिए हम लोग गाड़ी भी आ गया, और हम लोग चलते हैं गाड़ी में रवाना होने के लिए। यहाँ बैठो तुम, यहाँ हम नहीं, यहाँ तुम, यहाँ हम, इधर तुम। अब यार कैसे कैसे कर रहा है, चलो ठीक है जहाँ सब सही है। हे गाइस, तो दोनों भाई साथ में बैठ चुके हैं अभी, और अब जाके गाड़ी खुलने ही वाली थोड़ी देर में। तो जब गाड़ी खुलेगी तो फिर ऊपर का आपका व्यू दिखाते जाके, क्या कहें। तो बस ब्लॉग में बने रहो एंड तक, और कन्हैया साथ में तो आ ही गया। तो फाइनली गाइस हाफ दूरी तय कर लिए हैं बेगूसराय तक और मुंगेर के बीच का। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, एक्चुअली बेगूसराय पहुंच चुके हैं। अब हम लोग को मार्केट की तरफ जाना है, कुछ काम है। नया ट्रेन है मतलब जयनगर भागलपुर एक्सप्रेस है सही। ये 9:30 बेगूसराय की तरफ से होते हुए आती है, आप लोगों को पता है। बेगूसराय से नहीं, मुंगेर से, मतलब भागलपुर से। भागलपुर से बेगूसराय की तरफ होते हुए जयनगर तक जाते हैं। जयनगर तक नहीं। अभी स्टेशन से तो बाहर आ चुके हैं फिलहाल, और मेरे को अभी काम है, मुख्य रूप से काम है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, जो कुछ मेडिकल लेना है क्या, उसके बाद वहाँ से चलते हैं, जो होगा सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस पहले अभी यहाँ पे बुक करते हैं टोटो। तो गाइस
क्या चेंज है तेरे चार रुपया काम तो क्या कंप्लीट काम अब कंप्लीट हो गया। अब आप लोग को हम बेगूसराय का दर्शन कराएंगे। तो गाइस फाइनली काम हो चुका है कंप्लीट, जो कि आप लोगों ने देखा ही। तो अब चलते हैं, फिलहाल पहले खाना खाते। भूख तो लग गया तगड़ी वाली, क्योंकि सुबह ही निकले हैं 9:30 बजे और अभी बज रहा है कितना 11:30 और लेकिन उतना ज़्यादा भूख तो लगा नहीं है, लेकिन फिर भी चलते पहले खा लेते ताकि और भी शाम तक सीख पाएँ। उसके बाद शाम में गाड़ी है यहाँ से हम लोगों का 3:22 में। शोरगुल ज़्यादा और इसलिए ज़ोर से बोलना पड़ रहा है। तो गाइस पहले चलते हैं अब कोई होटल को देखते हैं खाना खाने के लिए। क्या यहीं अच्छा जाएंगे पहले, बढ़िया रेस्टोरेंट जाएंगे पहले। अब वहाँ देखते हो बेगूसराय का प्रधानगढ़, प्रधान डाकघर बेगूसराय। फिलहाल गाइस अभी यहाँ पे आए थे पेट पूजा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई रेस्टोरेंट अच्छा वाला मिल ही नहीं रहा है। बट मेरे को मिल गया अभी मंदिर, जो कि कन्हैया खुद बोला कि अभी चलो पहले मंदिर में घूर के आते तब पेट पूजा करेंगे, पहले खाने से पहले नहीं रह देते हैं। चलो है पानी यहाँ पे, काली माँ की मंदिर है यहाँ पे, जय माँ काली। बेगूसराय का प्रसिद्ध काली मंदिर, क्या यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब बन ही रहा है। हाँ बन रहा है ऊपर तक, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है और भीड़ भी बहुत यहाँ पे है। हाँ आ रहे हैं, हाँ दौड़े यार। क्या चीज गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट, कुछ भोजन कर ले खा ले, अभी देख लेते हैं मेनू चार्ट में क्या पसंद कर रहे हैं। बहुत देर वेट करने के बाद, आधा से पौने घंटा वेट करने के बाद देख सकते यहाँ पे खाना आ चुका है फिलहाल। और अब चलते पहले खाते हैं, भूख बहुत ज़ोर से लग गया यार, सही बोल रहे हैं, मेरे को भी लग गया और कन्हैया को लग गया, देखो खा ही रहा है, वीडियो शूट कर रही है खा रहा है देखो। क्या चीज टीका धो लेते हैं, टीका क्यों धोएगा, ठीक तो है टीका, अच्छा तो लग रहा है यार, सही तो बोल रहे हैं। वाह क्या सीन है, वाह वाह वाह। तो फ्रेंड आ चुके हैं फाइनली, अब हम मुंगेर, अब हम अपना घर जाएंगे, अमन अपना घर जाएगा, उसके बाद अमन को जो दवाई लाना था वो भी ले आए और फाइनली हम लोग पूरा बेगूसराय घूम चुके हैं, मस्ती किए, पूरा एंजॉय किए, खाना पीना खाए, रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट वाले हमको लूट के बर्बाद कर दिया, रोड पे ला दिया। और सर रेस्टोरेंट हम कभी जाना भी नहीं चाहेंगे। गाड़ी कन्हैया जाएगा इधर से डायरेक्ट अपना घर और हम इधर से अपना घर, और कन्हैया जाके क्या करेगा, कन्हैया घर जाएगा अभी तुम घर जाके, हम रात शाम में जाते हैं अपना थोड़ा सा दौड़ उड़ करने के लिए, पीटी उटी करने के लिए वही जाएंगे। और मेरे को करना है एडिटिंग इस वीडियो को ताकि आप सब देख पाओ। हे गाइस, तो अभी जस्ट शाम के 5:42 हो रहा है गाइस, और मैं अभी जस्ट तुरंत ही नहावा के छत पे आया क्योंकि थक गए थे ज़्यादा बेगूसराय से घर आते ही। तो हम भी गए और कन्हैया साथ में गए ही थे, तो आप सभी को भी दिखाएं भी कैसा रेस्टोरेंट था, कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो हॉप की ये ब्लॉग देखने में आपको अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा थोड़ा सा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और गाइस बहुत सा वीडियो भी मैंने क्लिक किया था, लेकिन आप सभी को कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाया कि आप बोर ना हो, नहीं तो ये वीडियो को भी हम चाहते तो 3 से 4 पार्ट में बना सकते थे, लेकिन हम सोचे कि एक पार्ट में ही देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप सब बोर ना हो गए, इसीलिए मैं सोचा कि आज कुछ अलग ही वीडियो आप सभी के पास देने की कोशिश करूँ, देखता हूँ इस पर क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो बस रिस्पॉन्स डालो यार, लाइक करो और कमेंट करना यार, और वीडियो को शेयर जरूर करना। बस गाइस मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। होटल और कौन सा होटल है, जलसा पैलेस चल रहे हैं, कन्हैया साहब यहाँ पे बैठा हुआ है, और अभी ऑर्डर नेम प्लेट से हम ऑर्डर नेम प्लेट से बोलते हैं।